हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, पीएमआई की वीडियो नंबर 4 है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रास हैं और ये जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ये कुछ ही स्कूलों में आते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल इनको देते हैं, तो लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पूरी जान लगा देना, समझ में आ जाएंगे, मज़ेदार क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं और ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हैं, तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको। राइट, चलिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर 9 में भी आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में, जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी होती है ना, 10th में आपने पढ़ा था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे 11th में जीपी आती है, तो वहां पर भी आएगा। ठीक है, तो वहां पर इसका तरीका अलग होगा, बट यहां आएगा तो देखो लिखा हुआ है पीएमआई से प्रूफ करो। ठीक है, तो पीएमआई का मेथड तो आपको मालूम ही है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, नेमिंग का। इसको नाम दे दो पीएन का, यहां लगाएंगे हम कॉलन, 777 777, कुछ भी हो सकता है, 666 888, कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली यहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो क्वेश्चन दिया होगा, डॉट 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 प्लस 777 डॉट 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 7, ये एन डिजिट्स हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। इज इक्वल टू 7/81 10^(n+1-9n-10)। ये मैं नेमिंग दे दी मैंने, ध्यान से देखो, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। तो यहां पर एक 7 है, ये देखो सेकंड टर्म है तो यहां पर 2 7 है, ये देखो थर्ड टर्म है तो यहां पर 3 7 है। इसका मतलब जितने टर्म है उतने ही 7 होंगे, इसलिए यहां पर देखो एन डिजिट लिखा है। मतलब यहां पर जो 7 7 7 7 है वो कितनी बार है, जो वो टर्म होगा, जैसे अगर ये 25th टर्म होगा तो 7 7 25th टाइम्स होंगे, तो ये एन टाइम्स होंगे 7 7 7, क्योंकि ये nth टर्म है, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये रिजल्ट लेके आना है। चलिए जी, ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो यहां आएगा p1 कॉलन, लेफ्ट हैंड साइड अलग, बीच में बॉर्डर तो आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है, ये राइट साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 1। इसका मतलब है इसमें जाओ और जहां n है वहां 1 रख दो, इसका मतलब है यहां, बट यहां तो कहीं n दिख नहीं रहा। अब देखो इसका असली मतलब समझो, n इज इक्वल टू 1 का मतलब यहां आएगा 1 डिजिट। देखो यहां पर है n डिजिट, अगर मैं बोलू 20 डिजिट तो 20 times 7 7 7 7, मैं बोलू 25 डिजिट तो 25 times 7 7 7, मैं बोलू 4 डिजिट तो 4 times 7 7 7 7, मैं बोल रहा हूं n इज इक्वल टू 1 यानी 1 डिजिट, तो 1 डिजिट का मतलब तो ओनली एक बार 7, तो एक बार 7 आ गया, तो ये मतलब है इसका। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखो, समझ आ जाएगा। यहां डालो जी n की वैल्यू 1, तो 7/81 10, यहां 1 आएगा तो 2 हो जाएगा, 9 माइनस का 10, सॉल्व करते रहो, 7/81 ये हो गया 100 माइनस का 19 इम्प्लाइज 7/81, अरे ये भी 81 कट गया और ये भी 7, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, इसका मतलब पीएन इज ट्रू 4 एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे समझ, ये वाली बात एक बार फिर देख लो, एन इज इक्वल टू 1 का मतलब है एन यहां रखो, यहां 1 डिजिट, 1 डिजिट का मतलब इसमें से एक डिजिट उठा लो, 7 वो उठा लिया। अगर n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो उसका मतलब है 2 डिजिट, मतलब 2 times 7 7 उठाऊंगा। ठीक है, ये मतलब है, इतना काम करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्राइवेट स्कूल्स में आता है, वो भी बहुत कम प्राइवेट स्कूल में, 1-2 ही स्कूल है बस, जो बच्चों को परेशान करने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है जी गाइस, तो अब आ गए आपका फेवरेट स्टेप, k प्लस 1 वाला स्टेप, ये रहा, अज्यूमिंग दैट pk इज ऑलवेज ट्रू, n की जगह k पुट हुआ, पूरी सीरीज में मैंने रखा के एज इट इज, यहाँ एन डिजिट है, यहाँ हो गया के डिजिट, यहाँ पर एन है, यहाँ पे हो गया के, यहाँ पर एन है, यहाँ हो गया के, तो दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपका सबसे फेवरेट है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, तो आपको भी वो पसंद है जहाँ कुछ नहीं करना पड़े। अब आ गया जी टू प्रूफ, टू प्रूफ में पी के प्लस 1 इज ऑलवेज ट्रू, तो एन की जगह के प्लस 1 आ जाएगा। चलिए, तो के प्लस 1 यहाँ, अब ये स्टेप आपको मालूम है कि जब भी हम के प्लस 1 वाले स्टेप में जाते हैं तो पहले इसे लिख देते हैं, याद होगा ये स्टेप आपको याद हो चुका था, तो देखो मैंने पहले वो ही लिखा है ना, फिर आपके दिमाग में एक बात याद है, एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड है ना, एक स्टेप अहेड आगे, तो अगर ये के डिजिट है तो अगला स्टेप पूरा का पूरा यही आएगा, लेकिन यहाँ के प्लस 1 डिजिट हो जाएंगी, तो ये एक्स्ट्रा लगाया है हमने के प्लस 1 के लिए। ठीक है, ये वही बात है जो वीडियो नंबर 2 में आपने देखी थी, यहां जाओ के की जगह के प्लस 1 तो के प्लस 2 हो जाएगा, यहां जाओ k की जगह k प्लस 1 ब्रैकेट में रखना है, मल्टीप्लाई होगी 9k-9 और वो एड होके इतना हो जाएगा, मतलब आपको इसको सॉल्व करके ये लेके आना है। ठीक है, चलिए, आपको अच्छे से याद है कि ये वाला हटाना होता है,
क्योंकि ये और ये सेम है और इसकी जगह ये लगाना होता है, तो इसको मैं इधर ले आया, देखो मैंने लगा दिया, ठीक है, ये जैसा था वैसा का वैसा ही है। इतना आप नोट करो, इतना आप सॉल्व करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, कर लेना ऐसे वरना फंस जाओगे इसमें, ठीक है जी। यहां तक आप आ गए, ठीक है, अब पहले इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू का, और इसमें करते हैं वर्किंग नोट। ध्यान से देखना जरा, देखो गाइस अगर मैं आपसे बोलूं ये वर्किंग नोट है, ये आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। वर्किंग नोट का मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, या फिर वर्किंग नोट तो अकाउंट्स में लिखते हैं, आप लिखो जस्टिफिकेशन, ठीक है, अकाउंट्स की लैंग्वेज लिख दी मैंने गलती से, इधर जस्टिफिकेशन लिखो आप। देखो अगर मान लो 1 7 है, तो मैं इसको ऐसे करके बोल दूं 10^0 × 7, इसका मतलब 10^0 का मतलब 1 होता है, इंटू 7 आई विल गेट 7, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब मैं लिख क्यों रहा हूं जरा समझना, थोड़ा सा टाइम लगाओ। अगर मैं 2 बार 7 लिखता हूं, तो ऐसे बोल दूं 10^1, ठीक है, इंटू 7 और प्लस 7, तो देखो मेरे पास आएगा कितना बोलो, या फिर इसको ऐसे ही बोलते रहो 10^0 × 7, देखो इसके से मिलेगा मुझे 70 और इससे मिलेगा मुझे 7, तो आई विल गेट 77। मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं 3 बार ऐसा है, तो मैं बोल सकता हूं 10^2 × 7 प्लस 10^1 × 7 प्लस 10^0 × 7, सॉल्व करने पर इससे मिलेगा 700, इससे मिलेगा 70, इससे मिलेगा 7, तो आई विल गेट दिस, ठीक है। तो नोटिस करने वाली बात यह कि अगर मेरे पास 777, ठीक है, के प्लस 1 टाइम्स है, ध्यान देना के प्लस 1 डिजिट है, यानी मैं एक्चुअली इस टर्म तक पहुंचना चाह रहा हूं, मैं आपको इसका इलाज बता रहा हूं। तो देखो इसको मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, नोटिस करने वाली बात, अगर यहां 3 डिजिट थी तो यहां पे 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 1 0, अगर यहां 2 डिजिट थी तो 1 कम 1 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे यहां के प्लस 1 डिजिट है, तो यहां पे ऐसे कुछ आएगा 10^k, ठीक है, इंटू 7 प्लस 10^ अगला 1 1 कम होता जाएगा, k-1 × 7, अगला 10^k-2 × 7, ऐसे करते 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 लास्ट में 10^0 हो जाएगा, देखो लास्ट में 10^0 तक हम जा रहे हैं, इंटू 7। तो यानी ये जो पूरी सीरीज है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, एक तो ये बात इसमें समझने की है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो इस पूरी सीरीज में 7 कॉमन है, 7 लिया मैंने कॉमन, ठीक है। अब मैं इस पूरी सीरीज को ऐसे लिख दूं 10^k प्लस 10^k-1, 10^k-2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एंड में 10^0 जो कि 1 होता है। आगे देखना, मैं इस सीरीज को क्या कर रहा हूं, यहां से उठा के ना पलट रहा हूं, यानी पहले ये मतलब इसको ऐसे उठाया और यूं करके रिवर्स कर दिया, तो 10^0 को तो 1 ही बोल देता हूं, फिर 10^ सोचो ये 10^0 है, इससे पहले वाला स्टेप 10^1 होगा, इससे पहले वाला 10^2 होगा, इससे पहले वाला 10^3 होगा, क्योंकि देखो ऐसे तो ये रिड्यूस हो रहा है लेकिन ऐसे तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, यहां देखो 0 फिर 1 फिर 2 उधर से आएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने सीरीज को उठाया और पलट दिया, तो 10^1 अगला 10^2 ऐसे करते 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 लास्ट में तो यही मिलेगा ना, क्योंकि मैंने इसको पलटा है तो ये उधर चला जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली ये बन गया एपी का फॉर्मूला, सॉरी जीपी का फॉर्मूला, जीपी जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपके 9th चैप्टर में आएगा, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला ये होता है r^k-1 या n बोलो से n और यहाँ r-1, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, a यहाँ पर स्टार्टिंग टर्म है फर्स्ट टर्म जैसे बोलते थे, r यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, जैसे था ना एपी में कॉमन डिफरेंस, ऐसे ये कॉमन रेशियो होता है। आर निकालने का फॉर्मूला होता है a2/a1, यानी 10/1, 10 आ गया, ऐसे देखो 10^2/2/10^1, 10 आ गया, तो आर तो यहां पे आ गया 10 अकॉर्डिंग टू दिस, और ए क्या है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म यहां पे आपको दिख ही रहा है 1, तो आपके पास ये सारे अरेंजमेंट हो गए। अब बात आती है एन क्या है, एन भाई एन यहां पे देखो क्या लिखा है, के प्लस 1 डिजिट, तो यहां एन के प्लस 1 है, बस ये बात पकड़ने की है कि जितनी डिजिट्स हैं, जितने टर्म्स बोले k प्लस 1 बोला है, तो वी विल टेक n k+1, ठीक है। तो यहां पे इसका फॉर्मूला बनेगा 7, ये 7 तो बाहर है, ठीक है, अंदर जाओ, यहां क्या आएगा a, a की वैल्यू 1 है, नो नीड टू राइट। अब क्या आएगा r, r यहां पे 10 है, देखो ये रहा, n की जगह k+1, ठीक है, ये k+1 -1, n r की जगह 10 - 1, ये आ गया, यानी ये हो गया 7/9, अब 10 में से बन गया 9, और ये कितना है 10^k+1 - 1,
इसका मतलब ये है कि ये पूरा यहां से हटेगा और इसकी जगह ये कहानी आएगी, ठीक है। अब भाई ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्या करें, लेवल बहुत इसका डिफिकल्ट है, हर स्कूल में नहीं आएगा, मुश्किल से एक या दो ही स्कूल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके, ठीक है, तो उनके लिए आता है। तो देखो पूरा जस्टिफिकेशन है, ओके, सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, बस ये नई चीज है। जीपी का फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का ये होता है, फॉर्मूले तो और भी होते हैं लेकिन मैं आपको अभी यही वाला बता रहा हूं, जब नाइन्थ चैप्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे इसको डिटेल में। यहाँ ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर का मतलब कॉमन रेशियो, आर निकालने का फॉर्मूला, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो होता है, ठीक है, और ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए आपको दिख रहा है, आर आप निकाल सकते हो, दिस डिवाइड बाय दिस, इस तरह से वैल्यू डालो और आंसर आ गया। और ये ध्यान रखना कि यहाँ के प्लस वन क्यों लिया, क्योंकि हम के प्लस वन डिजिट की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो के प्लस वन है, इसलिए हमने के प्लस वन लिया, ठीक है। तो प्लीज इसे माइंड में रखें, इतना सॉल्व करो फिर मैं आगे बता रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, अब ये हटेगा और इसकी जगह ये एक्सप्रेशन आएगा, तो ये जस्टिफिकेशन एग्जाम में देना है, ठीक है। ये सिर्फ चैप्टर फोर के लिए है, चैप्टर नाइन में इसका मेथड अलग हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा है ना बाय पीएमआई, तो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। हाँ जी गाइस, तो देखिए अब यहां पे आ गए, देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को अभी अभी आपने निकाला है और इसकी वैल्यू ये आई थी, ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। इसके बाद देखो पूरे एक्सप्रेशन में सेवन और सेवन कॉमन ले लिया, अपॉन में ये 81 है और ये 9 है, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, यहाँ 9 बच गया, तो इस पूरे के अपॉन में 9 और ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, अपॉन ली इसके अपॉन में मैंने लिया 1 और एलसीएम लिया, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में एज इट इज आ गया और 9 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, 9 की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे होगी तो 9 इसके साथ लग जाएगा, कभी आप 90 बना दो, 90 नहीं बन सकता क्योंकि ये पावर वाला नंबर है और 9 अकेला है, तो 9 इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा ऐसे, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, डेसिमल नहीं है ये, फिर 9 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 9 हो गया। ध्यान से देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं x का स्क्वायर और एक बोलूं 9x का स्क्वायर, तो देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 ही तो है, तो ये और ये जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 10x का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखो ये 9 टाइम्स ये चीज है और ये 1 टाइम है, यहां कुछ नहीं है, तो यहां इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई में है, ये मतलब है, तो 1 टाइम 10 और 9 टाइम 10 आपका हो जाएगा 10 टाइम, ऐड हो जाएगा 9 और इसका कोफिशियंट 1 10 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये 9 के एज इट इज, माइनस 10 माइनस 9 माइनस का 19, 10 की पावर क्या है 1, बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो 10 10 10 ही रहेगा और पावर ये वाली और ये वाली ऐड हो जाएगी तो के प्लस 2। देखो ये वही एक्सप्रेशन आ गया और ये 9 इंटू 9 बाहर 81 हो गया, ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो आपको पी के प्लस 1 में लेफ्ट हैंड साइड निकालनी थी, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसके बाद आपको पता है पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये लिखते हो, इसके बाद हैंस वाला स्टेप आप खुद लिख देना, ठीक है, हैंस बाय पी एम आई पी के प्लस 1 इज ऑल्सो वो पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखना जरूरी है। ऑलराइट गाइस, चलिए शाबाश। ठीक जी, एक क्वेश्चन और आ गया, तो बाय पी एम आई से प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू, ये देखो एन है और ये एन है, ये सब है, इधर एन है इधर एन है, बाकी सब एज इट इज, ठीक है, ये पूरा इसका एंगल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखने से मत डरो, ठीक है, क्वेश्चन देखने में भयानक लगेगा बट बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री से मत डरो। तो पहला स्टेप उसका नेमिंग का हो गया, पी एन नेम दिया, ये एज इट इज, ये सारा लिख दिया। दूसरा स्टेप ऑन पुटिंग एन इज इक्वल टू 1 वाला हो गया, तो इस वाले में जहां एन है देखो यहां 1 है, एन है यहां 1 पुट हो जाएगा, तो 1 इंटू थीटा साइन थीटा, और यहां देखो एन है यहां 1 पुट होगा, तो 1 प्लस 1 2 बाय 2, 2 से 2 कट हो जाएगा, अभी मैंने कट रख के दिखाया है, यहां 1 पुट होगा तो थीटा बाय 2 बचेगा, इससे पूरा पोर्शन कैंसिल, 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल साइन थीटा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आ गई, इसका मतलब पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपका फेवरेट स्टेप आ गया, अज्यूमिंग दैट पी के इज ऑलवेज ट्रू, एन की वैल्यू के डाल दो, तो पूरा स्टेप यहां पे के है, सारा कुछ सेम है, बस के आ गया के आ गया के आ गया, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है, इतना करो। देखो कुछ भी तो नहीं है इसमें मुश्किल, देखने में टफ लगता है बस मुश्किल नहीं है। हाँ जी गाइस, देखिए पी के प्लस 1 वाला स्टेप, पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा सब कुछ, और आपको मालूम है जब के प्लस 1 पुट करते हैं तो पहले पी के वाला स्टेप लिखते हैं, देखो मैंने पहले पी के वाला स्टेप लिखा, यहां तक ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आपके दिमाग में एक बात सेट है, क्या, कैरी फॉरवर्ड एक स्टेप अहेड, तो इसमें k की जगह k प्लस 1 डालोगे तो एक स्टेप आगे आ गए, यहां डालो k की जगह k प्लस 1 तो k प्लस 2 हो जाएगा, ऑलरेडी 1 है, यहां डालो k प्लस 1 नीचे ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है, ओके।
चलो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे यूजिंग फर्स्ट, ये स्टेप आपको याद होगा, इसे यहां से हटाना होता है क्योंकि इसकी वैल्यू सेम टू सेम ये है और ये इसके इक्वल है, तो इस चीज को इधर ले आओ। तो मैं ले आया, देखो इधर ये चीज इधर आ गई, ठीक है वो एज इट इज। अच्छा जी, अब देखो यहां पर आके हम फंस गए। यहां आने के बाद एक बात हुआ करती थी कि कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, तो कॉमन तो कुछ है नहीं क्योंकि देखो इसका एंगल के प्लस वन थीटा बाई टू है और ये के प्लस वन थीटा है। तो यहां पे एक खास बात लगेगी इस वाले स्टेप के अंदर, याद करो डबल एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, साइन टू एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन समथिंग टू साइन समथिंग बाय टू कॉस समथिंग बाय टू। तो यहां पे देखो टू एक्स है इसलिए एक्स और एक्स आया, अगर यहां पे होता ना एक्स तो टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, जो भी अंदर होगा एंगल उसका हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब यह एंगल क्या है के प्लस वन और थीटा, तो इसमें जब डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा इस तरह से तो ये बनेगा टू साइन जो भी एंगल है उसका हाफ, कॉस जो भी एंगल है उसका हाफ। ठीक है, बात आती है ऐसा क्यों किया, आंसर लाना है भाई ऐसा, और कोई रास्ता ही नहीं है, कॉमन कुछ है नहीं, एलसीएम लेने से बात बनेगी नहीं, तो सारे रास्ते बंद हो गए इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में यहां से लेके और यहां तक देखो कुछ कॉमन आएगा, देखो ये वाला टर्म यहां पर भी है और ये वाला टर्म यहां पर भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया ये बाहर आ गया, अंदर एक ये बचा हुआ है ये रहा, अपॉन में बचा हुआ है ये रहा, और इधर टू बच रहा है ये रहा, और इधर ये बच रहा है ये रहा। ठीक है, इसके अपॉन मानूंगा वन और मैं एलसीएम लूंगा अब। ठीक है, इतना काम करो फिर आगे देखते हैं। ओके, तो डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं। हाँ जी, आगे आगे देखो, इस स्टेप पे मैंने लास्ट वाला छोड़ा था तो आगे बढ़ गए। ठीक है, अपॉन में वन लेट किया, एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें वन की इसमें, ये स्टेप आया। मल्टीप्लाई का मतलब ये साथ में लग जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये पूरा एंगल है थीटा इसके साथ है ये। आगे देखो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपने पढ़ा था ट्रिगो में, टू कॉस ए साइन बी, तो टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन होगा नहीं फिर, तो ये आपको याद होना चाहिए, मैंने ट्रिगो में बताए थे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, अगर भूल गए तो अब देख लो मैंने दोबारा लिख दिया है। तो ये पूरा एंगल जो है ये ए है और ये पूरा एंगल जो है बी है। ठीक है, लगाया फॉर्मूला टू कॉस साइन का, ये रहा साइन ए प्लस बी ए और बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये एज इट इज। इसमें देखो अपॉन में टू एलसीएम ले लिया टू, थीटा 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 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ के प्लस वन बचा और यहाँ वन बचा क्योंकि थीटा मैंने कॉमन लेकर रख लिया है। ये इसी के साथ, इसी का एंगल है पूरा, ये बाहर नहीं गया, एंगल के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहां भी एलसीएम क्या है टू के प्लस वन माइनस वन क्योंकि थीटा मैंने बाहर ले लिया कॉमन है, लेकिन ये एंगल के अंदर ही, ये कहीं बाहर नहीं है, ये एंगल का ही पार्ट है पूरा। ओके, ये एज इट इज। ध्यान से देखो के प्लस टू हो गया वन और वन, थीटा एज इट इज। यहां देखो वन से वन हो गया कैंसिल, तो साइन के बाय टू थीटा। देखो ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से कट हो गया, तो एक तो ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, यही आंसर आपको लाना था। मैं लिख रहा हूं, आप पहले इतना नोट करो, ठीक है जल्दी से नोट करो, शाबाश। हाँ जी गाइस, तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन बचा हुआ है, एक ये वाला और एक ये, तो मैंने लिख दिया, तो यही मेरा आंसर है जो के प्लस वन वाले स्टेप में राइट हैंड साइड थी। तो दिस आई नीड टू ब्रिंग, तो पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, एंड में ये लाइन आपको लिखनी होती है, हैंस बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये फॉर ऑल ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं, डिफिकल्ट इनका लेवल है बट इतने मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाते हैं। एक्चुअली देखने से इनको ना डर लग जाता है बच्चों को, तो इसलिए उनको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप एक बार कॉपी में अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो ईजी लगेगा। ठीक है, तो पूरे एक्सप्रेशन को नाम दिया हुआ है पी एन का, ये पूरा एक्सप्रेशन, एन वाला टर्म ये रहे सारे। तो ऑन पुटिंग एन इज इक्वल टू वन, पी वन वाला स्टेप लेफ्ट साइड में इसे लेंगे, एन की जगह वन डालूंगा, तो वन माइनस वन टू की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो इसकी वैल्यू वन होती है, तो ये वन बन गया, वन इंटू अल्फा अल्फा इसका आंसर आ गया। राइट साइड में गया, ये रहा पूरा राइट साइड, एन जहां जहां दिख रहा है वन डालूंगा, ऐसा बन गया ये साइन टू अल्फा टू साइन, इसका आंसर आ रहा है कॉस, इसका आंसर कुछ अजीबो गरीब है। तो देखो साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला अभी अभी पीछे लगाया था ना मैंने, साइन टू एक्स या साइन टू थीटा, क्या फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा एंगल का हाफ, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, साइन से साइन कट हो गया, टू से टू कट, कॉस बच गया, तो लेफ्ट राइट इक्वल आ गए। ट्रिग्नोमेट्री में चेंजिंग तो करनी पड़ेगी ना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये आपका फेवरेट स्टेप है, अज्यूमिंग दैट पी के इज ऑलवेज ट्रू, एन की जगह के रखा, पूरे सवाल में यहां भी के, यहां भी के, यहां भी के, दिस इज इक्वेशन वन। ठीक है भाई, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो बच्चे दो स्टेप तक तो कर ही देते हैं, बल्कि के प्लस वन वाला भी कुछ हद तक कर ही देते हैं। ठीक है, तो चलो इतना करो फटाफट फिर आगे बताता हूँ जी। के प्लस वन वाले स्टेप पे आ गए, तो टू प्रूव पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू,
आपको मालूम होता है पहले के वाला स्टेप लिखना होता है, तो मैंने के वाला स्टेप लिखा। इसके बाद आपके दिमाग में सेट है के प्लस वन का मतलब एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड, एक स्टेप अहेड, तो यहाँ के की जगह डालो के प्लस वन, तो वन से वन कट के ये बचेगा, ठीक है। इधर डाल दो के की जगह के प्लस वन, तो ये आंसर वी नीड टू ब्रिंग, ओके। इसके बाद लेफ्ट साइड जब लेते हैं, आपको सबको पता है कि ये बदलना होता है, इसको हटा के इसकी जगह ये आ जाता है, तो ये आ गया है ना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमारे पास यहाँ पर आ गया साइन कॉस साइन, बट यहाँ पर हमें कॉस चाहिए ही नहीं, बट यहाँ कॉस फालतू आ रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था ना साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला रिवर्स भी तो लग सकता है, ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा, यानी टू साइन थीटा कॉस थीटा एंगल अंदर वाला डबल हो जाएगा, और ये पूरी चीज ऐसे बन जाएगी, लेकिन तब बन पाएगी ना जब ऐसा कुछ दिखेगा। तो देखो दिख तो रहा है साइन, ये एंगल देखो सेम होने चाहिए, कॉस एंगल देखो सेम है, बस आगे टू नहीं है, अगर यहाँ टू होता तो बात बन जाती है ना। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पे टू लगा देते हैं। अब ऐसे कैसे लगा सकते हैं, तो लगाया तो हटाया भी है, देखो टू से टू कट रहा है, डिवाइड दोनों को किया है मैंने डिवाइड, ताकि टू से टू कट जाए, बात वही रहे, ठीक है। तो देखो ये बन गया फॉर्मूला, ये रहा टू साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये रहा, तो फॉर्मूला हो गया साइन टू थीटा, ठीक है। देखो ये रहा टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, ओके। और नीचे तो जो है वो है ही, देखो टू की पावर क्या है, वन है, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, और देखो यहां भी टू की पावर वन है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, और आपका आंसर आ गया। तो देखो देखने में ये क्वेश्चन कितना भयंकर था, लेकिन सबसे इजी शायद के प्लस वन वाला स्टेप है इसका, अब तक के क्वेश्चनों में सबसे इजी क्वेश्चन ये है, और देखने में बच्चे की हवा खराब हो जाए, है ना। तो इजी है, तो देखने से मत डरो, ट्राई करो उसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है। देखिए गाइस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बाय पीएमआई प्रूफ करो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया इसको पहले से पीएन का, आपके जब एग्जाम में आएगा तो ये पीएन लिखा हुआ नहीं आएगा, तो ये खुद आपको नेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखो इसमें आपको ये अजीब सा सिंबल दिख रहा होगा, ये वाला सिंबल, इस सिंबल को बोलते, ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है। और ये वाला सिंबल भी फैक्टोरियल का होता है, ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ एक ही बात है। अब जरा इसका मतलब समझो, जैसे मैंने लगाया फोर फैक्टोरियल ऐसे लगाया, तो उसका मतलब है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब रिड्यूस बाय वन हो जाता है और वन तक जाता है। मैंने लगाया सपोज करो टू फैक्टोरियल, तो उसका मतलब है टू इंटू वन बस। मैंने लगाया सपोज करो एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो उसका मतलब है पहले एन प्लस वन, अगला स्टेप एन, अगला स्टेप एन माइनस वन, अगला स्टेप एन माइनस टू, करते करते वन तक जाएगा। मैंने लगाया एन फैक्टोरियल, इसका मतलब है एन, अगला स्टेप एन माइनस वन, अगला स्टेप n माइनस टू, इस तरह से, ठीक है। तो किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल लगाओगे तो जब वो ओपन होगा तो जहां पर वो है वो तो आएगा ही आएगा, बाकी रिड्यूस बाय वन होता चला जाएगा और वन तक जाएगा। जैसे देखो n प्लस वन है, तो n प्लस वन तो आया ही है, अगला स्टेप एक कम हो जाएगा, n प्लस वन का एक कम n होता है, अगला और कम हो जाएगा n माइनस वन, अगला n माइनस टू, अगला n माइनस थ्री, करते करते वन तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का सिंबल है, तो गाइस ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है। फैक्टोरियल चैप्टर सेवन के अंदर आएगा, चैप्टर सेवन जो पीएनसी है या चैप्टर एट, इन दोनों के अंदर इसका कॉन्सेप्ट आएगा, बट अभी आप समझ लो एडवांस लेवल की बात है। तो ये सिंबल फैक्टोरियल का होता है इसे भी, ठीक है, उल्टा आई, उल्टा आई है ये, और ये इसका रूल है। और ध्यान रखना जीरो फैक्टोरियल हमेशा वन होता है, ठीक है, इसका प्रूफ भी आता है, लेकिन चैप्टर सेवन और नाइन में आएगा, तो अभी बात मत करो उसकी, अभी बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो चलिए जी मैंने नाम दे दिया, अब ऑन पुटिंग एन इज इक्वल टू वन, वन पुट होगा तो यहाँ इस वाले पोर्शन में पुट होगा और यहाँ पूरे पोर्शन में पुट होगा, तो यहाँ वन यहाँ वन, ये आया वन फैक्टोरियल, वन रहता है क्योंकि वन तक ये खुलता है। अभी मैंने बताया जैसे वन के आगे आपने लगाया फैक्टोरियल, तो जो नंबर है वो तो आएगा ही और जाएगा वन तक, तो ये खुद ही वन है, तो वन फैक्टोरियल वन होता है, ठीक है, वन इंटू वन, आंसर आ गया वन इसका। चलिए जी यहाँ पुट करो n की जगह वन, वन प्लस वन, वो तो वन है ही ऑलरेडी, वन और वन टू हो गए, टू फैक्टोरियल आपको खोलना आता है, जो है वो तो आएगा ही आएगा, जैसे टू है तो टू तो आएगा, बाकी एक कम कर दो, और जब तक वन ना आ जाए, तो टू में से एक गया वन, बस यहीं रोक दो, वन पे ही देखो गाड़ी रुक जाती है, वन पे ही ब्रेक लगा देनी है आपको, ठीक है, वन पर जाते जाते वन पर ब्रेक लगा देनी है। तो ये आ गया टू वन जो टू, टू में से बन गया वन आ गया, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ गए, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, ये आपका फेवरेट स्टेप आ गया, अज्यूमिंग दैट पी के इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ये आपने कुछ नहीं किया बस के डाल दिया, इक्वेशन वन। इतना सॉल्व करो और इसको नोट्स में कहीं ना कहीं लिख लो, ठीक है। अब मैं के प्लस वन पे जा रहा हूं, आप इतना सॉल्व करो पहले।
जी गाइस, के प्लस वन वाला स्टेप आ गया, पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, ये के प्लस वन है, कुछ नहीं करना होता, आपको पता होता है पहले के वाला स्टेप पूरा लिखना है। तो देखो मैंने के वाला स्टेप पहले पूरा लिखा यहां तक, फिर एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड, तो के को के प्लस वन बोला, के फैक्टोरियल को के प्लस वन फैक्टोरियल बोला, यहां पर डाला मैंने के प्लस वन तो के प्लस टू हो गया। मुझे ये आंसर लेके आना है, अब आई नीड टू ब्रिंग दिस आंसर। ओके, आपको मालूम होता है इसमें इस वाले को हटाना होता है और इसकी जगह ये चीज लानी होती है, तो मैं ले आया, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, एक तो ये के प्लस वन फैक्टोरियल है और एक ये पूरा एक्सप्रेशन इसके साथ है, तो इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया ऐसे करके, देखो ये लिखा ऐसे, और ये माइनस का वन जो है ना, ये माइनस का वन ये मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। इस पूरे पोर्शन में कॉमन ले लिया मैंने के प्लस वन का फैक्टोरियल, तो कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, कॉमन आया, कुछ भी नहीं बचा, तो वन लिखते हैं हम, यहाँ क्या बचा खाली के प्लस वन, ठीक है जी। ध्यान से देखते रहो, ये के एज इट इज, वन और वन कितना हो गया टू, यहां तक बात समझ में आ जाती है हर बच्चे को। अब देखो इसके बाद ये कैसे आया, पहले समझो कहानी। मान लो मैंने बोला पांच फैक्टोरियल, इसे खोलना है, तो मैंने खोला पांच इंटू चार पर रुक गया मैं, तो ये भी तो सही है, ठीक है। या फिर मैंने खोल दिया पांच इंटू फोर इंटू थ्री पर रुक गया, या मैंने खोला फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू पर रुक गया, या फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, वन पर तो रुकना ही है। तो इसको लिखने के ये सारे तरीके वैलिड हैं, ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर कहीं ऐसा कुछ आ जाए फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, देखो ये नंबर एक ज्यादा है इससे, है ना, तो ये रिवर्स में ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसी अगर मैं आपसे बोलूं कहीं पर लिखा आ जाए एन और ये एन माइनस वन फैक्टोरियल, देखो ये नंबर ज्यादा है, एक ज्यादा होना चाहिए बस, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूं एन फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि अगर मैं इसे खोलूंगा तो यही तो आएगा एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, और भी आगे खुल सकता है, वो तो मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी ब्रेक लगा सकता हूं, लेकिन एंड में मुझे पता है कि वन तक ही जाना है, ठीक है। और देखो जैसे मान लो ये एन प्लस टू है और ये सपोज करो एन प्लस वन है ना, ये है, देखो ये एक ज्यादा है इससे, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ एन प्लस टू फैक्टोरियल, है ना, देखो इसे मैं खोलूंगा तो यही तो आएगा, पहला जो है वो आना ही आना है, फिर एक कम हो जाना है, मैंने यहां ब्रेक लगा दी, चाहूं तो मैं और भी आगे खोल सकता हूं, एंड में जो ब्रेक लगनी है वो वन तक लगनी है, ये तो पता है हमें। तो देखो ध्यान से, ये के प्लस वन के आगे फैक्टोरियल है और ये के प्लस टू एज इट इज, तो इन दोनों को मिला के ऐसा कुछ बन गया इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए, और ये वही आ गया जो मुझे लेके आना था। यहाँ पे अपना स्टेटमेंट डाल देना, वो पी के प्लस वन इज ट्रू हैंस बाय पी एम आई, ठीक है, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसे तैयार करो। तो गाइस देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ अभी अभी, ठीक है, बस इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सारे स्टेप लगेंगे सेम, तो इसको आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्राज हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, प्रैक्टिस हार्ड, ठीक है।